एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि पेट्रोल पंप पर कैसे आपकी जेब पर डाका डालने का काम हो रहा है। तेल के इस खेल में अब नया खुलासा हुआ है। चिप के इस्तेमाल के जरिए कम तेल देने के खेल को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। इसी छापेमारी के दौरान ये नया खुलासा हुआ, जब एटीएस के अधिकारी कल लखनऊ के गोमती नगर में सत्यम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पता चला कि छापेमारी से बचने के लिए पेट्रोल पंप पर चिप वाली मशीन को हटाकर नई मशीन लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि नई मशीन लगाने के लिए पहले तेल कंपनी से इजाजत लेनी होती है, इसके बाद बाट माप विभाग की मंजूरी के बाद ही नई मशीन लगाई जा सकती है, लेकिन बिना तेल कंपनी की इजाजत के ही मशीन बदलने की कोशिश हो रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ बाट माप विभाग से ही इसके लिए मंजूरी ली गई थी, इसीलिए अब ये शक हो रहा है कि बाट माप विभाग के अधिकारी भी क्या इस खेल में मिले हुए हैं। तेल का अब ये नया खेल शुरू हो चुका है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ की ये तस्वीर आपके सामने है। पुरानी मशीन जिसमें चिप लगी हुई थी उसे बदलकर नई मशीन लगाने के फिराक में थे लोग, और कहा जा रहा है बाट माप अधिकारी से इस बारे में परमिशन ले ली गई थी, लेकिन तेल कंपनी से इस बात की इजाजत नहीं ली गई थी। अब सवाल यह है कि बाट माप विभाग के अधिकारी भी क्या इस खेल में मिले हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतनी जल्दी इजाजत क्यों दी गई? ये पूछा क्यों नहीं गया कि तेल की मशीन को बदलने का काम क्यों किया जा रहा है? कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। पंकज, सीधे सीधे शक हो रहा है तेल के इस नए खेल में कि अब कहीं बाट माप विभाग के अधिकारी भी तो नहीं मिले रहे, इतनी जल्दबाजी क्या थी ऑर्डर देने की? पेट्रोल पंप पर रेड किया था और 28 तारीख को ये जो पेट्रोल पंप है गोमती नगर का, उसकी तरफ से ये अपील की गई, एक दरख्वास्त डाली गई कि हम अपनी मशीन बदलना चाहते हैं और तेल कंपनी जो कि इंडियन ऑयल है उससे कोई परमिशन नहीं ली गई। 28 तारीख को एप्लीकेशन पड़ा और 29 तारीख को वेट एंड मेजर यानी बाट माप विभाग ने इसकी इजाजत भी दे दी और वहां पर गुपचुप तरीके से कल वो बदलने की तैयारी भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि बाट माप विभाग के लोग इसमें शामिल है। तेल कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने जो लखनऊ को देखते हैं काम, उन्होंने भी कहा कि इसमें बाट माप विभाग के अधिकारियों के बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच है और शक की सुई उस पर जा रहा है जो एसटीएफ के साथ छापेमारी में शामिल था, बाट माप विभाग का अधिकारी। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या बाट माप विभाग के अधिकारी भी अब इस खेल में मिल चुके हैं और उन्हें किस तरह का फायदा हो रहा है। फिलहाल जिस पेट्रोल पंप पर यह गोरख धंधा चल रहा था वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज झा ने। देखिए, जिस खबर का रिश्ता हमारी और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी तेल के खेल का, जिसका भंडाफोड़ यूपी की एसटीएफ ने किया है, अब उस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। लखनऊ में गोमती नगर का सत्यम पेट्रोल पंप, और ये वो जगह है जहां पर पहले वो पेट्रोल जहां से दी जाती है डीजल तेल, वो मशीन लगी हुई थी उसको हटाने की बात आ रही है। नया बना हुआ है, आज ही बना है, आज सवेरे तक यहाँ से पेट्रोल और डीजल दिए जा रहे थे। 27 तारीख को लखनऊ में एक साथ कई पेट्रोल पंप पर रेड हुए और 28 तारीख को यहाँ पर वो वेंडिंग मशीन चेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए इजाज़त मांगी गई और वेट एंड मेजर जो बाट और माप विभाग होता है उसने 29 तारीख को इजाज़त दे दी और आज उस मशीन को दूसरी जगह पर हटाने की तैयारी भी हो रही थी। और यही वो सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है? अभी यहाँ पर इस बात की जांच हो रही है जो उसके दूसरे मशीन हैं, क्या उसमें कोई चिप लगा हुआ था और उस मशीन को हटा करके दूसरी नई मशीन लगाने के लिए, और उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि ये चूंकि इंडियन ऑयल कंपनी का है तो पहले इंडियन ऑयल से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको इत्तला देना पड़ेगा, फिर बाट माप विभाग से उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। यहाँ वेट एंड मेजर यानी बाट माप विभाग से इजाज़त ले ली गई है और अब जांच चल रही है। यूपीएसटीएफ की टीम उन सारे मशीनों को खंगाल रही है कि कहीं उसमें चिप तो नहीं लगा हुआ है। अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन जो उतावलापन था, जो जल्दबाजी थी मशीन को हटा करके दूसरी मशीन लगाने पर, वो सवाल खड़े कर रही है और बता रही है कि तेल का खेल कितना गहरा है। और जिस पर शक जा रहा है वो बाट माप विभाग का ही एक अधिकारी है जो 27 तारीख से लेकर अब तक जो छापेमारी चल रही है अलग अलग पेट्रोल पंपों पर यूपीएसटीएफ की, उसी टीम में वो हमेशा साथ रहा था, यानी किसी अपने ने ही दगा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है, अगर बात सही निकली तो शायद ये तेल का खेल नए रंग ला सकता है और इसकी कहानी दूसरे मोड़ पर जा सकती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।
अब सवाल यह है कि बाट माप विभाग का वो अधिकारी है कौन? इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे एसटीएफ अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि एक आध दिन के अंदर ही ये कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी। जरूर कोई ना कोई बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए इसके लिए। और इसके लिए जो है जो यहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं, जैसे बाट माप विभाग के लोग हैं और जो संबंधित जो ऑयल कंपनी है उसके प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये रीलोकेशन की जो है जिम्मेदारी उन्हीं की थी, परमिशन उन्हीं के द्वारा होनी थी। और इसको स्टडी किया जा रहा है कि ये किन परिस्थितियों में अनुमति हुई है। अगर इसमें अनियमितता पाई जाएगी तो इनकी अधिकारियों के विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी, लेकिन उनके एक बार वेरिफिकेशन के होने के बाद ही हम इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैंक में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी जिसके बाद टैंक में भी इस तरह का खेल चल रहा था? ये अपने आप में हो जाता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पूरे मामले की जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहीं बाट माप विभाग के अधिकारी भी तो इस पूरे खेल में शामिल नहीं है, क्योंकि जिस तरह रातों रात मशीन बदलने का काम चला उसने कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े कर दिए हैं। एक और नया पॉइंट ये आया है कि ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सर्किट भी यूज हुआ है जिसमें जो पेट्रोल के टैंक्स हैं उनके अंदर जो ऑयल है वो देखने में मेजरमेंट में कम आए, क्योंकि ऑयल हमेशा सेविंग के बाद इनके टैंकों में बढ़ जाता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे टैंकों में भी जो है ऑयल का लेवल जो है या कोई मेजरमेंट कम उसमें रिफ्लेक्ट हो डिजिटल कंसोल में? ये भी एक चिप आई है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।